नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आजकल आप देखेंगे, आजकल क्या हवे शास्त्र है, जहाँ मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं वहाँ उनके आसपास के घरों में हमेशा भय लगा रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर खेलने के लिए जाते हैं और मधुमक्खी उन्हें डंक मार देती है। मधुमक्खी के द्वारा यदि आपको डंक मारा जाता है तो बहुत जल्दी उसमें सूजन आ जाती है और उसमें जबरदस्त जलन होती है, जबरदस्त जलन होती है। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये छोटा सा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको केरोसिन लेना है, मिट्टी का तेल और नमक दोनों को मिला करके जहां पर भी मधुमक्खी ने डंक मारा है उस जगह पर आप हल्के से रगड़ दें। थोड़ी देर आप उसे रगड़े, आप देखेंगे दोस्तों ना तो सूजन आएगी और ना ही कोई जलन होगी। और इसके सिवाय दोस्तों केरोसिन को, मिट्टी के तेल को यदि लोहे की किसी चीज से, जैसे चाबी वगैरह है, लोहे की किसी चीज को आप केरोसिन में डुबो दे और उसे आप मधुमक्खी ने जहां डंक लगाया है वहां पर उस चीज को आप घिसे, लोहे की चीज को केरोसिन में डुबो करके जहां मधुमक्खी ने डंक मारा है उस जगह पर आप धीरे धीरे रगड़ना शुरू कर दें। ऐसा करने से भी ना सूजन आती है और ना ही जलन होती है, मतलब जलन में काफी हद तक राहत हो जाती है और जो इसके नुकसान है उससे आप बच जाते हैं। ततैया भी दोस्तों जहां डंक मार देती है वहां जबरदस्त सूजन आ जाती है और सहनीय जलन होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यदि आपके घर में जैसे खट्टा अचार रखा हो आम का, आप फटाफट उसे निकालें और उस जगह पर घिस दें। कभी भी दोस्तों ना तो सूजन होगी और ना ही जलन होगी। और छोटी पीपल आती है, छोटी पीपल और नीमक, इन दो चीजों को घिस करके और उसके पेस्ट को यदि आप उस जगह पर लगा देंगे तो उससे भी ततैया ने जहां पर डंक मारा है उस स्थान में ना तो सूजन आती है ना ही जलन होती है, बहुत जल्दी राहत देखने के लिए मिल जाती है। कर लेने लायक, करते रहे, खुश रहे, जय श्री।